हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंट्रेंस मेड इजिट्रिक्स। तो दोस्तों, हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डाइजेशन क्या होता है ये कवर किया था। देन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड होते हैं। तो देन स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल भी स्टार्ट कर दिया था। तो फर्स्ट नंबर पर माउथ पढ़ लिया था, सेकेंड नंबर पर बकल कैविटी में टीथ एंड टंग हो गया था, और थर्ड नंबर पर फेरिंग्स भी पढ़ लिया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम उस फैगस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस फैगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता है, लेकिन बट स्टार्च कंटिन्यू टू डाइजेस्ट अप टू लास्ट एंड ऑफ उस फैगस। सलेवरी एमाइलेज इज इनएक्टिवेटेड बाय सेल इन स्टमक। बिकॉज ऑफ स्टार्च का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है और लास्ट स्टमक इंटेस्टाइन तक होता ही रहता है। तो इसका कंटिन्यू रहता है डाइजेशन। लेंथ ऑफ ओसोफेगस डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ नेक ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म का लेंथ ऑफ नेक होगा, उतनी ही बड़ी ओसोफेगस की लंबाई होगी। जिराफ की लॉन्गेस्ट होती है, क्योंकि उसकी नेक लॉन्गेस्ट होती है, इसलिए उसका ओसोफेगस भी लॉन्गेस्ट होता है। फूड मूव डाउनवर्ड ड्यू टू रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ओसोफेगस कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। ओसोफेगस में कंटिन्यू पेरिस्टाल्सिस भी होती रहती है। देन हम पढ़ते हैं स्टमक जो होता है, जे सेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके स्टमक के थ्री रीजन हम पढ़ते हैं। उस फैगस जहाँ पर ओपन होता है स्टमक में, वो कार्डिक पार्ट होता है, देन फंडिक पार्ट होता है, देन पायलोरिक पार्ट होता है। सबसे पहले इसका हम लोकेशन देखेंगे। लोकेशन जो होता है इसका, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में होती है। तो हम कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि ये लेफ्ट होता है कि राइट होता है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक देखा है। तो स्टमक लेफ्ट और स्टमक और लीवर में हम ज़्यादातर ये कंफ्यूज रहते हैं कौन किधर होता है। तो लीवर में आर आ रहा है वो राइट होता है। तो जब लीवर राइट है तो स्टमक अपने आप हम याद हो जाएगा हमें कि ये लेफ्ट में होता है। सेकंड नंबर पर कार्डियक पोर्शन होता है जहाँ पर ओसोफेगस ओपन होता है, देन फंडिक रीजन होता है, इसके बाद लास्ट पार्ट जो होता है पायलोरिक पोर्शन होता है विच ओपन्स इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पायलोरिक इसके बाद होता है, जो पायलोरिक पोर्शन होता है फर्स्ट पायलोरिक पोर्शन जहाँ पर ओपन होता है ड्यूडनम में, वहाँ पर एक होता है पायलोरिक स्फिंक्टर, ये जो होता है रेगुलेट करता है इसकी ओपनिंग को। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ पे स्टार हम लगाए हैं ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो कि अब तक आ चुके हैं। तो ऑब्लिक मसल लेयर इन मस्कुलरिस, ऑब्लिक मसल लेयर कहाँ पे पाया जाता है, वो स्टमक में पाया जाता है, और किस लेयर में पाया जाता है, मस्कुलरिस में। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है म्यूकोसा में पाया जाता है। तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसके भी थ्री रीजन होते हैं। इज यू शेप्ड ड्यूडनम होता है, लंग ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, लंग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जेजनम होता है, थर्ड जो होता है हाईली कॉइल्ड इलियम होता है, इलियम जो होता है ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके बाद फिर हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन में भी थ्री रीजन होते हैं, सीकम होता है, कॉलन होता है, रेक्टम होता है। कॉलन डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, कॉलन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, असेंडिंग पार्ट, ट्रांसवर्ट पार्ट और डिसेंडिंग पार्ट। डिसेंडिंग पार्ट ओपन होता है रेक्टम में। तो दोस्तों, ये लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है। ये असेंडिंग पार्ट है, ये ट्रांसवर्स पार्ट है, और ये डिसेंडिंग पार्ट है। एक वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, हमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहाँ से ज्वाइन होता है। तो ये देखिए, ये डायग्राम सीकम का है, तो सीकम से अटैच होता है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, और ये जो होता है इलियम होता है, इलियम जो होता है सीकम में ओपन होता है। इसके बाद फिर डिसेंडिंग पार्ट जो होता है रेक्टम में ओपन होता है, रेक्टम जो होता है एनल कैनाल के द्वारा एनस में ओपन होता है। एनस में दो इंस्पेक्टर होते हैं, एक इंटरनल इंस्पेक्टर होता है और एक जो होता है एक्सटर्नल इंस्पेक्टर होता है। इंटरनल जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, एक्सटर्नल जो होता है वॉलेंट्री होता है। इसके बाद फिर देन वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हम पढ़ेंगे। वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो होता है उस फैगस से रेक्टम तक देखेंगे। फर्स्ट थिंग ये इसमें फोर लेयर होती है, फ्रॉम आउटर टू इनर, फोर लेयर आउटर टू इनर, सबसे आउटर मोस्ट सिरोसा होती है, इसके बाद फिर मस्कुलरिस होती है, सम्यूकोसा। जब हम बाहर से अंदर जाएंगे तो ये चार लेयर का अरेंजमेंट, सिरोसा, मस्कुलरिस, सम्यूकोसा, म्यूकोसा। सिरोसा जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है, थिन मेसोथेलियम एंड सम कनेक्टिव टिश्यू। ये थिन मेसोथेलियम होती है और इसमें भी कुछ कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं।
इसके बाद सेकंड नंबर पर मस्कुलरिस, मस्कुलरिस स्मूथ मसल्स होती हैं, इसमें भी दो लेयर होता है, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर कि इनर सर्कुलर होती है या फिर इनर लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक देखते हैं, आउटर में यू है और लॉन्गिट्यूडनल में एल है, तो इससे हम आउटर से उल्लू देख लिए हैं, उल्लू फॉर आउटर लॉन्गिट्यूडनल। मतलब एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा कि आउटर लॉन्गिट्यूडनल है तो इनर सर्कुलर होगा। इसके बाद फिर समीकोशल लेयर, समीकोशल लेयर में लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। जब लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें अरेंजमेंट इतना लूजली होता है, इसी में पाया जाता है नर्व होता है, ब्लड होता है और लिम्फ वेसल होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ड्यूडेनम ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सबमिकोसा में प्रेजेंट होता है। देन म्यूकोसा, म्यूकोसा में, म्यूकोसा जो होता है इनर मोस्ट लेयर होता है, इरेगुलर फोल्ड इन म्यूकोसा जो होता है इरेगुलर फोल्ड के फॉर्म में होता है, जिसे रुगाई कहते हैं। इवन स्टमक में, स्टमक में इरेगुलर फोल्ड रुगाई होता है, स्टमक में पाया जाता है। और वही म्यूकोसल लेयर जो होता है स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग होता है, जिसे विलाई कहते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और विलाई के ऊपर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन होता है, जिसे माइक्रो विलाई कहते हैं। इसका मेन काम जो होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है, मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। एक क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रियल का कि विलाई आर सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल, जिसे लैक्टियल कहते हैं। इसके बाद फिर इसी विलाई में एक गोब्लेट सेल होता है, इसी म्यूकोसल लेयर में गोब्लेट सेल होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, क्रिप्टा ऑफ लिवर कॉमन पाया जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पाया जाता है। गोब्लेट सेल जो होता है, सबसे पहले ये गोब्लेट सेल पाया कहाँ जाता है और इसका और ये क्या सीक्रेट करता है। गोब्लेट सेल जो होता है म्यूकोसल एपिथेलियम में पाया जाता है, इसका मेन फंक्शन जो होता है सिक्रीशन म्यूकस इन लुब्रिकेशन, ये लुब्रिकेशन में काम करता है। जहाँ जहाँ पर लुब्रिकेशन जरूरत होती है वहाँ वहाँ पर ये सिक्रेट होता है, वहाँ वहाँ पर ये ग्लैंड पाई जाती है और ये म्यूकोसल लेयर में पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर्म्ड इन म्यूकोसा ऑफ स्टमक। थर्ड नंबर क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन, ये जो होता है इंटेस्टाइन में पाया जाता है, क्रिप्ट इन बिटवीन बेस ऑफ बिलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन जो होता है, इसमें जो होता है पैनेक्स सेल होते हैं और ये सिक्रेट करता है एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम। ऑल फोर लेयर्स ऑफ मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, एनसीईआरटी में तो मेनली डाइजेस्टिव ग्लैंड थ्री ग्लैंड ही दिया है, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियास। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड पढ़ते हैं। सलाइवरी ग्लैंड का मेन काम जो होता है सलाइवा का सिक्रीशन होता है। सलाइवा मेनली प्रोड्यूस बाय थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। फर्स्ट जो होता है पैरोटिड ग्लैंड, ये चिक के नीचे होता है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है। अगर इसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है उसे मम्प्स कहते हैं। इसकी लोकेशन होता है प्रेजेंट नियर ईयर, सिक्रीट टाइडिन एंजाइम, जिसे कहते हैं सलेवरी एमाइलेज। ये जो होता है स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। सेकंड नंबर सबलिंगुअल ग्लैंड, ये जो होता है स्मॉलेस्ट सलेवरी ग्लैंड होता है और इसका पोजीशन जो होता है बेलो टंग होता है। थर्ड नंबर होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सिक्रीट मैक्सिमम सलेवा। इसके बाद पढ़ते हैं लीवर, सेकंड नंबर का जो ग्लैंड होता है वो लीवर होता है। लीवर जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। अगर लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी पूछा जाएगा तो हम स्किन बताएंगे, और लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाएगा तो हम लीवर बताएंगे। इसका वेट जो होता है 1.2 to 1.5 kg होता है। इसका सिचुएशन जो होता है एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम अपर राइट साइड में। इसमें दो लोग होते हैं, मीन्स ये बाइलोग होता है। हेपेटिक लोब्यूल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। हेपेटिक लोब्यूल जो होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है लीवर की, और हेपेटिक लोब्यूल में हेपेटिक सेल्स होते हैं जो अरेंज होते हैं क्वाड के फॉर्म में। इस लोब्यूल कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू, जिसे कहते हैं ग्लीसन कैप्सूल। इसके बाद हेपेटिक सेल, लीवर की जो हेपेटिक सेल्स जो होती हैं वो बाइल सिक्रीट करती हैं। बाइल जो होता है स्टोर और कंसनट्रेट गॉल ब्लैडर में होता है। लीवर की डक्ट होता है हिपेटिक डक्ट होता है, और गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है सिस्टिक डक्ट होता है। ये दोनों डक्ट मिल करके कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं और ये ओपन होती हैं ड्यूडेनम में बाय कॉमन हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। कॉमन हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, इसे जो कहते हैं स्पेक्ट्रा पोडाई। ये भी ये
फिलहाल जल्दी में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंस्पेक्टर ऑफ डाई कहाँ पाई जाती है, किसे कहते हैं, ये हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है। हिपेटो मतलब होता है ये लीवर, पैंक्रियाटिक मतलब पैंक्रियाज में खुलना। ये कॉमन बाइल डक्ट जहाँ पे ओपन होती है उसे इंस्पेक्टर ऑफ डाई उसे बोलते हैं, उस इंस्पेक्टर को। और थर्ड नंबर की ग्लैंड जो होती है वो पैंक्रियाज होती है। पैंक्रियाज होता है कंपाउंड ग्लैंड होती है, बोथ एग्जोक्राइन एंड इंडोक्राइन होती है। इसका सिचुएशन जो होता है इन बिटवीन यू शेप्ड ड्यूडनम, ड्यूडनम के यू शेप्ड में, ये यू शेप्ड ड्यूडनम होता है उसके बीच में ये पाई जाती है। और इसका जो एग्जोक्राइन पोर्शन होता है वो सिक्रेट करता है एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस, और इंडोक्राइन जो पार्ट होता है वो हार्मोन सिक्रेट करता है इंसुलिन और ग्लूकागन। इन सबका फंक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, हम आगे चल के देखेंगे।